उत्साह तो इतना है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी के मन में एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कि हमारी 500 साल की तपस्या, हमारे जो पूर्वज जो लड़ाइयां लड़ते लड़ते चले गए, आज हमें अपनी जिंदगी में वो दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। 22 जनवरी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि तमाम लोग हैं जो जय श्री राम के झंडे लेकर यहाँ पर घर घर में लगातार वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं, बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जय श्री राम का नारा तक लगाते नजर आ रहे हैं, और शायद 11 दिए भी एक पॉलिथीन में देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधा सवाल करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, दिए जो है कितने दिए हैं इसमें? 11 दिए डाले गए हैं। तो अभी तक कितने लोगों के घर में आप झंडे दे चुके हैं और कितने लोगों में उत्साह नजर आया है? हम अभी कम से कम 100 घरों में दिए हैं, ध्वज और दिए हैं। अभी अभी हमने ये प्रोसेस शुरू किया है और कम से कम हमने 600 ध्वज घरों में देना है और 62 फुटा रोड पे जो दुकानदार हैं उनको दिए जाएंगे। ये हमारा ये एक प्रभु राम की कृपा से एक छोटा सा गिलहरी वाला योगदान है। उत्साह किस तरीके से लोगों में नजर आ रहा है, आप घर घर जा रहे हैं? उत्साह तो देखिए पूरे भारतवर्ष में भगवामय हो चुका है और आज अयोध्या में जो आज से जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम का पहला दिन है, तो इसी उपलक्ष्य में हमने भी आज यहाँ अपना प्रथम दिन, प्रथम सेवा का दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। हर घर में भगवा और दिए के रूप में ये उपलक्ष्य मनाने की तैयारी हमारी चालू है। 22 जनवरी का इंतजार लगभग लगातार किया जा रहा है, महज 6 दिन बच गए, तो कितनी उत्साह है मन में? उत्साह तो इतना है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी के मन में एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यानी कि दिवाली उस दिन पूरे ही देश में मनाई जाएगी जमकर? खाली देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये दिवाली पूरी जगमग दिवाली, और हर घर दिया जलेगा और पूरा भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड, विश्व और जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य देश सब इसमें सहयोग कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैम से बात करेंगे, आपके घर पे ध्वज देने आए हैं और दिए भी दिए, तो 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन है, किस तरीके से खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, राम मंदिर बना, खूब खुश है हम तो। भगवान नए रूप में आ रहे हैं दोबारा से और हमें क्या चाहिए। तो इस चीज की उम्मीद थी कि कभी भगवान राम का मंदिर बन पाएगा, बन रहा है? उम्मीद क्या थी? उम्मीद है, बनगा, अच्छी बात है, खुश है हम। तो अभी घर पे जिस तरीके से ध्वज आया है, दिया है, तो दिए जलाएंगे ना? दिए जलाएंगे। बहुत ज्यादा खुशी लोगों में साफ तौर पे नजर आ रही है, यहाँ पर आम लोग हो या फिर जिस तरीके से अब देखा जाए यहाँ पर, तो लोग यही कह रहे हैं कि राम मंदिर का इंतजार 500 सालों से था और फाइनली वो पूरा हुआ है। तो किस तरीके से खुशी जाहिर करेंगे हम 22 तारीख को? जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम हर सनातनी को एक हमारे लिए 22 जनवरी का जो दिन है बहुत गर्व का दिन है कि हमारी 500 साल की तपस्या, हमारे जो पूर्वज जो लड़ाइयां लड़ते लड़ते चले गए, आज हमें अपनी ज़िंदगी में वो दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले टाइम में अब ये देश जाग चुका है और हर सनातनी जय श्री राम का नारा देने लगा है, और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो राम राज्य आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, जय श्री राम का नारा है और राम राज्य आ रहा है। हमारे प्रधान RW के प्रधान श्रीमान सुरेंद्र कक्कड़ जी भी हैं, सुशील क्या कहेंगे सर, राम राज्य पर लोग सवाल कर रहे हैं। सर बिल्कुल राम राज्य आ रहा है, हम लोगों ने शायद ये सोचा नहीं था कि हम अपनी लाइफ में इस चीज़ को बनते हुए देख लेंगे, क्योंकि कितनी पुश्तें जो हैं वो बीत गई हैं, सभी को इस चीज़ का इंतजार था। हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस टाइम यहाँ पे हैं, हमारे मोदी जी के राज में ये सारा कुछ हो रहा है। वही मोदी जी कहते हैं ना कि मोदी जी है तो गारंटी है, वाकई में मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, वाकई में मोदी जी ने सब कुछ मुमकिन हिंदुस्तान में क्रेडिट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं, मोदी जी को क्रेडिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि राम मंदिर का वादा उन्होंने किया था और कहीं ना कहीं वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, महज कुछ ही दिन बाकी है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपके वहाँ पर किस तरीके का उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। तमाम खबरों को देखते रहिए लीडिंग भारत।